भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए, मोबाइल अलाउ नहीं। तो भाई हम लोग आ गए हैं ट्रेन में बैठ गए, जैसे कि हमारे सारे भाई लोग बैठे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज यासिर खान। तो भाइयों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि एकदम मस्त होगे। तो भाइयों आज है पता नहीं कौन सा दिन है आज, और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो हम लोग हैं घर में और अफान का कॉल हम लोगों को आया था क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा। जो जो देख रहे हैं सबको पता चल गया होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अफान के घर क्योंकि उसने कहा है स्मार्ट बाजार चलना है, ट्रेन में जो जो सामान हम लोगों को खाना पीना है वो सामान हम लोगों को लेने चलना है फटाफट से। तो अभी हम लोग चलते हैं अफान के पास, देखते हैं फिर उसको उठाते फिर स्मार्ट बाजार चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग। तो हम लोग देखिए इतना सामान ले चुके हैं और ये हमारे अफान भाई अभी फिलहाल हम लोग फटाफट से ले रहे हैं। आज भाई 1 बज गया, 3 घंटे में हम लोग को चलना है। तो भाई निकला जाएगा और क्या, चलो चलो जल्दी। हम लोग आ गए। तो भाई हम लोग काफी देर से सामान इधर उधर ले रहे हैं, आप लोग देखिए ये सब हम लोगों ने ले लिया है नैनीताल के लिए। और अब हम लोग रेडबुल लेने जा रहे हैं, जाते जाते गर्म हो जाएगी बिना फालतू। ये लोग ले रहे हैं पहली बार, देखें रेडबुल तो क्या, पहली बार में एक्साइटमेंट अलग ही होती है। ये अफान भाई ने हमारे फाड़ दिया था कप निकाल के, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं घर फटाफट से खरीद के फिर। तो भाई हम लोग निकल गए स्मार्ट बाजार से बिलिंग विलिंग करा के, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मतलब बूंदे पड़ रही हैं। कल रात में बहुत ही बढ़िया बारिश हुई थी, देखिए अभी फिसल के गिर पड़ते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर क्योंकि बारिश तेज हो सकती है। तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं घर क्योंकि आज हम लोग को चलना है। तो भाई अभी हम लोग आए थे अंडा रोल खाने के लिए, भैया हमारे बाहर बना रहे हैं, हम लोग सब लोग बैठे हैं। हमारे रेहान भाई पार्टी दे रहे हैं क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं 5 दिन के लिए, इनको मिलेंगे नहीं, इसलिए अब हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं रोल और फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग खाते। तो हम लोगों ने ये पता नहीं क्या लगा लिया हम लोगों ने, और ये लग गया और जो लगा रहा था वो चला गया एसी में आराम से। हम लोग लेटे और इस वक्त 3 बज रहा है, 3:30, और हम लोग को 4:30 बजे वहाँ पहुँचना है। तो 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, अभी नहाना भी हम लोगों को, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करना है, चलते नहाते हैं फिर। तो भाई हम लोग हो चुके हैं एकदम रेडी नहा के, और हम लोग का सारा सामान भी पैक हो गया। पापा गए नीचे एक बैग लेके कार में रखने के लिए, और अब हम लोग भी चल रहे हैं फटाफट से। देखिए हमारा बैग काफ़ी भारी है, अब चलते हैं हम लोग नीचे, देखिए पापा। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं घर से, अपने कार में हम लोग बैठे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ क्योंकि स्कूल से फिर हम लोग बस पकड़ेंगे, मतलब बस से जाएंगे स्कूल की लखनऊ तक, और फिर लखनऊ से हम लोग निकल लेंगे ट्रेन से नैनीताल के लिए। तो अभी पापा गए हैं दवा ववा लेने कुछ, तो वो भी रख लेंगे थोड़ी इमरजेंसी के लिए। और अभी हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, तो चलते हैं हम लोग घर, मतलब सॉरी स्कूल। तो भाई हम लोग स्कूल के अंदर हैं और पूरे हर जगह सन्नाटा है, सारे भाई लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, भाई साहब सर आ रहे हैं। तो भाई साहब जैसा कि कह रहा था स्कूल के अंदर है और सारे पेरेंट्स अंदर ही बैठे हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। और आप लोग स्कूल के अंदर देखिए, कुछ ही आधे घंटे में हम लोग निकल लेंगे यहाँ से लखनऊ के लिए, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चल देंगे। तो अभी हम लोग इधर उधर देख रहे हैं गाइस, और हमारे हमजा भाई आप लोग ये देखिए गाइस, अभी गिर पड़ा, ये देखिए आप लोग काम चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। पीछे देखिए क्या क्या फालतू काम चल रहा है। भाई हम लोग चल रहे हैं अपने बस में, देख लीजिए पूरी बस भरी हुई है, सब लोग आगे पीछे हर जगह टीचर बैठ गए सबको। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लखनऊ की तरफ, और लखनऊ चल के फिर वहाँ आप लोगों से बात करते हैं। तो भाइयों हम लोग लखनऊ में इंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देखिए सारे भाई लोग सब लोग मजा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्टेशन की तरफ, स्टेशन चलते हैं फिर वहाँ पर। भाई यहाँ देखिए एकदम बारिश का मौसम बना है, बारिश बारिश होने वाली है।
गाइस फरारी का लोगो लगा है स्विफ्ट डिजायर में। सुजुकी है फरारी, सस्ती फरारी नहीं लगा। इब्राहिम भाई हमारे सूर्यांश की गोद में बैठे हैं, मजा आ रहा है भाई। या तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन लखनऊ के और हम लोग चल रहे हैं। सर ने बोला है मेरे पीछे पीछे चलो, तो हम लोग सर के पीछे पीछे चल रहे हैं। काफी भीड़ है हर जगह पे। पहली बार आज ट्रेन का सफर करेंगे गाइस, पहली बार मैं ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ जैसा कि बता दूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर फटाफट से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कैसे है पहली बार ट्रेन के अंदर लाइव। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन और अभी हम लोग हैं वेटिंग रूम में, जैसे कि वेट कर रहे हैं ट्रेन का। 11 बजे की ट्रेन है और इस वक्त 9 बज रहे हैं। तो हम लोग बैठे इधर उधर सबको देख रहे हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब चलते कुछ फटाफट से निकालते हैं। भाई हम लोग खाना पीना जो भी लाए थे घर से वो खा चुके हैं और बाकी हमारे भाई लोग बाहर खड़े थे, तो इन लोगों के पास आ गए। आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए आप लोग, देखिए मेट्रो जा रही है, अभी मेट्रो चली गई। आप लोग देखिए, ये हमारे दीवान भाई को दिखाइए, ये हमारे दीवान भाई का बच्चा है। इनको लड़की बनने का बहुत शौक है, लड़कियों की आईडी से बात करते हैं सबसे, है ना भाई। क्या नाम था आईडी का बता दें, एक्सपोज कर दे तुमको। तो 11 बजे की हम लोग की ट्रेन है, शायद 11 बजे की है ना, 11:30 तो 11:30 बजे की ट्रेन है और इस वक्त 10 बज रहे हैं ना, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है पूरा। अब इंतजार करना पड़ेगा यहाँ ट्रेन का, फिर चलते हैं हम लोग फटाफट से काठ गोदाम की तरफ अपने, है ना भाई। जी भाई, मौसम भी काफ़ी बिगड़ रहा है गाइस, आंधी तूफान आने वाली है थोड़ी देर में, तो फटाफट से पता नहीं कब हम लोग को चलना होगा गाइस। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम लोग चल रहे हैं। सारे भाई लोग देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं। तो हम लोग की ट्रेन आ गई, अब हम लोग चलते नीचे, फटाफट से बैग उठाते हैं अपने अपने दोनों लोग, फिर चलते नीचे। तो भाई हम लोग आ गए हैं ट्रेन में, बैठ गए जैसे कि हमारे सारे भाई लोग बैठे हैं। तो पहली बार अफान और हम पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, सूर्यांश भी पहली बार, सब लोग हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। पहली तो बार नहीं है, देखते हैं हम लोग का एक्सपीरियंस ट्रेन में कैसा होता है। फिर अब सुबह हम लोग कितने बजे तक पहुंचेंगे, 10 बजे तक ये लोग बता रहे जैसे पहुंचेंगे। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कुछ। और आप लोग बाहर देख लीजिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है, आज तक फिल्मों में देखा था विंडो से बाहर झांकते हैं, आज पहली बार देख लिया गाइस। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। तो भाई हम लोग की ट्रेन चल रही और हमारे सारे भाई लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ले भाई तो हमारी ट्रेन अब चल दी है, चलते हैं फिर थोड़ा सा मतलब मजे करते हैं। तो भाइयों हम लोग चल दिए नैनीताल की तरफ और हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, सारे भाई लोग हमारे बैठे हैं आराम से। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, होकर हम लोगों ने अपना ब्लॉग देखा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल परसों तो 5 दिन हम लोग नैनीताल में रहेंगे, तो आप लोग ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।